खुश रहो, हैप्पी दिवाली। यस, हैप्पी दिवाली। सो गाइस, अब हमने कार में गिफ्ट का सामान सारा रख लिया है ना मम्मा? और अब मम्मा इधर चाय बनाने की तैयारियां कर रही हैं, इधर मम्मा ने पानी गर्म करने के लिए रख दिया और इधर फ्रेश देसी घी बन रहा है ना। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये डैड ना शेव करवाने गए थे तो उन्होंने गिफ्ट दे दिया डैड को, खादी बोलते हैं ना मम्मा, वो सबको ही दे रहे थे खादी इंडिया को जैस्मिन हैंडमेड प्रीमियम सोप। तो मैं ऐसे खुशबू सुनता हूँ ना, इतनी बढ़िया खुशबू है ना, इतनी बढ़िया खुशबू। आप बताओ मम्मा, सुन के है? हाँ जी, आप सुन के बताओ आपको कैसी लग रही है, स्मेल करो। जैस्मिन की खुशबू आ रही है। मैं दादी को भी दिखाता हूँ। आओ आ जाओ दादी, एक चीज दिखाने। ये सोप है जैस्मिन वाला, इसको सूंघो और बताओ कैसा लग रहा है। अच्छी खुशबू आ रही है ना। ये ना जैस शेव करवाने गए थे तो उन्होंने खादी इंडिया वालों ने उन्होंने खादी इंडिया का ये जैस्मिन हैंडमेड प्रीमियम सोप दिया था। तो ये इतना मतलब बहुत अच्छा, और इसमें कोई आर्टिफिशियल स्मेल नहीं है, आर्टिफिशियल खुशबू नहीं है, रियल खुशबू है। दादी से पूछो मम्मा चाय के साथ मट्ठी। सो गाइज, हम मट्ठी लाए थे तो मट्ठी हम मम्मा गर्म करेंगी क्योंकि हम चाय के साथ मट्ठी खाना पसंद है हमें, है ना? Yes. So guys, इधर दादी और बेटा रेडी हो चुका है। दादी स्पेशल मसाला नहीं डलवा रही, लेकिन हमारा ये रहा आम के अचार का मसाला, ये रही मेरी प्लेट और ये रही दादी की प्लेट। चलो मैं दादी के पास लेके चलता हूँ और उनका रिव्यू लेते हैं। चलो 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 चलो, दादी दादी दादी, चलो टेस्ट करके बताओ कैसी है मट्ठी विद आम के अचार का मसाला। इतनी बड़ी मट्ठी कहाँ खाई जाएगी मुझसे? कोई बात नहीं, खा लोगे, छोटी सी तो है दादी। हाँ जी दादी, मसाले के साथ लगा कर बताओ आपको कैसी लगी। बहुत बढ़िया लगेगी। तो बताओ तो सही, खा के दिखाओ तो सही, भी वो को फैमिली को दिखाओ तो सही। बढ़िया, चलो मैं डैड के पास चलता हूँ, उनके अभी रिव्यू लेते हैं। चलो 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 चलो। डैड कैसी लगी? बढ़िया, मजा मजा। सो गाइस, अब हम घर से निकल चुके हैं और अभी मम्मा कुछ सामान लेने गई है ना डैड। सो मम्मा सामान लेकर आएंगी, फिर हम जाएंगे जहाँ हमने दिवाली देने जाना है ना, बहुत दूर, छतरपुर फार्म। अभी मम्मा वो फोन में देख रही थी मैप में कि कितनी देर दिखा रहा हूँ, 1 hour 34 minutes दिखा रहा था। बेटा बहुत दूर है यहाँ से, जाम ही जाम मिलने वाला है हमें रास्ते में। हाँ जी, तो अब हम आपको दिखाएंगे और मैं आपको लाइटिंग दिखाऊँ जो लोगों ने लगा रखी है लाइट, मैं आपको सामने दिखाऊँ। Thank you.
जिससे मैं गई थी वो काम करवा के आ गई, और अब हम जा रहे हैं अपनी दिवाली देने के लिए। और हमारा रास्ता अभी बचा गया है, स्टार्ट हुआ है, 1 hour 40 minutes लगेंगे हम लोगों को वहाँ पहुँचने में। पहले 34 दिखा रहा था, 40 हो गया। हाँ जी, 40 हो गया क्योंकि जाम लग रहा है ना, तो इसलिए हो गया दिवाली की वजह से। और लाइटें देखो, बिल्डिंग्स पे कितनी अच्छी लग रही है ये लाइट्स, और साथ में नीचे देखो जाम देखो कितना लगा हुआ है। जाम तो गाइस यार बहुत ही ज्यादा, बहुत से भी बहुत ज्यादा। ये देखो जाम, इतना जाम है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ जाना है। दूसरे जाम में फंस गए, जहाँ से देखो उधर ही चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है हमारे। हम लोग पहले उधर फंसे जाम में, वहाँ से निकल के आए, तो अब ये देखो पंजाबी बाग वाला जाम, यहाँ पे भी जाम ही जाम है। पूरा मैप ही रेड 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 हो रखा है, जाम ही जाम। इतना जाम तो कभी भी नहीं हुआ मम्मा, है ना? दिवाली पे तो हमेशा ही होता है आयरन जाम इतना। आज तो सच्ची बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक मिला हमें, बहुत ही ज्यादा। और गाइस आपको पीछे चीज दिख रही होगी, अरे दिखाओ हमने क्या लिया। ये लो मैं आपको दिखाओ हमने क्या लिया। हमने लिए बाहर से दिखाना ज्यादा अच्छा दिखेगा, दिवाली लाइट्स। हम आपको बाहर से भी दिखाएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये लाइट्स है इसके अंदर, बॉटल के अंदर लाइट्स। सच सुंदर लग रहा है ना मम्मा? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अभी हम आपको बाहर से भी दिखाएंगे जब हम उतरेंगे। जब हम लोग उतरेंगे ना, तो आपको एक बार बाहर से भी व्यू दिखाएंगे कैसे लग रही है बॉटल्स। बाकी तो हम पहुंचने वाले हैं 4 minutes में, और आर्यन रेडी है? आर्यन रेडी? यस। एक्साइटेड? यस। फॉर द दिवाली पार्टी? यस। नाउ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, विशाल की तबीयत खराब है, खांसी और गला खराब, और कोल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से, पर निकलना जरूरी था guys, तो इसलिए हम लोग निकले। गाइस अब एक चीज देखो, पॉल्यूशन ऐसा हो गया कि मम्मा हर वीडियो में उसका एक लाइन तो बोल ही देती है पॉल्यूशन की, तो फील होता है ना इतना पॉल्यूशन तो वो तो लगता ही है यार क्या हो गया एकदम से। तो अब आपको हम पहुँच के मिलवाते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर, मैं आपको उतर के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखो हमारी दोनों बॉटल्स। जब हम आ चुके सिद्धांत भैया के घर,
और अभी यहाँ पे सामने डैड एंड सो लक्ष्य। हेलो यहाँ पे स्नैक्स आ चुके हैं, चाय आ चुकी है, तो हमारे यहाँ आर्यन आ चुका है। हम आपको स्नैक्स खाने के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम लोग डिनर करने बैठ चुके हैं, देखो नेहा बैठ गई है, सर बैठ गए हैं, मैम बैठ गए हैं, दादी जी भी बैठ गए हैं और अब्दू पीछे बैठा हुआ है। अब्दू आए करते हैं, तो अभी हम सारे बैठ गए हैं खाना खाने, और खाना देखने में बहुत टेम्पटिंग है, तो इसे कह रही भाई। और आज बना है हमारा शाही पनीर और कैप्सिकम, और क्या है इसमें, आलू शिमला मिर्च, शाही पनीर, दाल, रायता, पापड़, सैलेड। सैलेड भैया दादी जी ने काटा विदाउट मशीन। A few hours later. So guys, अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, हैप्पी दिवाली, बहुत अच्छा लगा। सेम टू यू, सेम टू यू। और अभी यहाँ पे बारिश आ रही है बहुत तेज तो नहीं, बट बादल बहुत तेज गरज रहे हैं, उससे ये पता लग रहा है कि बहुत तेज रात को आएगी, है ना। तो बढ़िया है, पोल्यूशन कम हो जाएगा। आप लोगों को सच्ची बताओ कैसा लगा आके? बहुत अच्छा, पक्का? यस, खूब एंजॉय करा, खूब गप्पे मारे हमने। पुरानी बातें, नई बातें, आर्यन? यस। और आर्यन को कैसा लगा? बहुत अच्छा, पक्का? और आपने भरपेट खाया? हाँ जी। और मुझे अच्छा लगा कि आपका एज एन एक्टर बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल है और डिसिप्लिन में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, बाय बाय सभी को, बाय बाय, बाय। अब आप लोगों का ड्यू है सबको, सभी को बाय बाय, बाय बाय, बाय। सो गाइस, हम लोग बैठ गए हैं कार में और अब जा रहे हैं हम अपने घर। टाइम हो रहा है 12:43 और हम घर पहुंचेंगे 48 मिनट्स में, और बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है एकदम से। आज मौसम पता नहीं बारिश का कैसे हो गया, हमें राइट टर्न लेना है, एकदम बारिश का मौसम कैसे हो गया पता ही नहीं चला। शाम तक तो सब कुछ ठीक था, और अभी बादल भी इतनी तेज गरज रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइटनिंग भी हो रही है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये देखो गाइस, बारिश देखो, बादल तो गाइस ऐसे गरज रहे हैं ना कि लग रहा है कि बहुत तेज वाली बारिश आएगी। लाइटनिंग भी बहुत तेज हो रही है, देखो फ्रेंड्स। गाइज, हमने अच्छे से खाया, बहुत टेस्टी फूड था, हमने बहुत इंजॉय करा, सबके साथ पुरानी बातें करी, इंजॉय किया, और अब घर की तरफ निकले हैं। देखो ट्रैफिक मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं, लेट्स सी। ऐसा लगा ही नहीं कि हम सिद्धार्थ से तो हम बहुत बार मिले हैं, रूपाली से बहुत बार मिले हैं, बट उसकी फैमिली से हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, बट ऐसा फील ही नहीं होने दिया उन लोगों ने कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं। यस, इतने अच्छे होस्ट थे, सब कुछ था, तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ऐसा परिवार सबको मिले। और उनके ये देखो कितनी बारिश है, पूरा रास्ता बारिश ही बारिश आती रही है गाइस, ये देखो। छतरपुर से अभी रजौरी गार्डन पहुंचे हम लोग। यस, छतरपुर से रजौरी गार्डन पहुंच गए और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यूअसली आ रही है। ये लाइटें देखो गाइस दिवाली की, बस और इससे ज्यादा बारिश ना है, दिवाली की लाइटें बस सबकी सही रहनी चाहिए, है ना विशाल, नहीं तो फिर सब दिक्कत हो जाएगा। देखो गाइस कितनी बारिश आ रही है, शीशा देखो, आपको शीशे से ही अंदाजा हो जाएगा बारिश का, बेमौसम बारिश। ये भी अगर तेज आएगी तब धुआं हटेगा ना, इतनी धीरे में इससे तो कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा पॉल्यूशन पर।
जाने से पहले हम लोगों ने कपड़ा, हम सब ने कपड़े ही दिखाए थे। हम अपना आज का दिवाली पार्टी का लुक दिखाते हैं, ऐसा लग रहा हूँ मैं मस्त। और ये विनालिन का आर्यन दिखाएगा कैसा लग रहा है गाइस। ये भी मेरी बर्थडे वाली वॉच जो मेरे को बर्थडे पे मिली। ये रे ट्विनिंग करने वाले लोग, आप सबके होस्ट एंड दोस्त विशाल और चुलबुली नेहा। आज वाली दिवाली पार्टी की ड्रेस सेम थी, सेम एक ही था, मैं इसके लिए मेरे कपड़े मेरे पास भी था बट मेरा छोटा हो गया इसलिए मैं पहन नहीं पाया। और अब हम दिवाली पार्टी है, एक रह गया घर बिहार की सिस्टर का जो कि कनाडा से कल आ रही है, तो उसके घर जाएंगे हम टाइम फिक्स करके। और लोकल हमें अपने दो तीन दोस्तों के घर बांटनी है बस, इन्होंने दूर का काम निपट चुका है, सारा निपट चुका है। तो ऐसे ही जो हमारे दिवाली के यही ब्लॉग्स बन रहे थे, तो होप करते हैं कि आपको हमारे ब्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हो। और फिर ऐसे ही ब्लॉग के साथ हम दोबारा आपको मिलेंगे एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपका मैं अपना होस्ट एंड दोस्त विशाल साइनिंग ऑफ, और कैमरा के पीछे आप सबका विनारन का आर्यन आल्सो साइनिंग ऑफ। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए शटर डाउन।